हेलो गाइस, तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे रियलमी C30 का। तो हाल ही में मैंने इसको फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया था, तो ये जो है आज डिलीवर हो चुका है। तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिला, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊं कि आपको 2023 के अंदर इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिलता है, आपको येलो नॉर्मली देखने को मिलता है। पीछे में आपको पावरफुल यूनिशॉक T6012 का जो प्रोसेसर है वो मिलता है, 5000mAh बैटरी है, अल्ट्रा सिम मिलता है और 6.5 इंच का जो डिस्प्ले वो देखने को मिलता है, HD+ डिस्प्ले है। और यहाँ पर हम बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें जो है इसके साथ देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का येलो बॉक्स है, इसको खोलते हैं। ऊपर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह, यूज़र मैनुअल वगैरह इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि सभी फ़ोन्स में मिलता है भाई, और कोई पढ़ता नहीं है इसको। बाकी नीचे आपको फ़ोन रखा हुआ देखने को मिलेगा, मैंने ब्लैक कलर में इसको ऑर्डर किया था। तो कुछ इस तरीके का आपको लुक देखने को मिलता है इस फ़ोन का, देख सकते हो। तो ब्लैक कलर में मैंने इसको ऑर्डर किया था। बाकी नीचे हम चीज़ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है, उसके बाद हम फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें जो है चार्जर देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल 10W का चार्जर हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। और साथ में हमें जो इसका केबल मिलता है वो माइक्रो USB वाला केबल मिलता है। भाई यहाँ पर 2023 के अंदर भी हमें माइक्रो USB देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट टाइप सी तो हमें देखने को जरूर से मिलना चाहिए था। तो देख सकते हो ये माइक्रो USB केबल है। तो ऐसा कुछ केबल और चार्जर देखने को मिलता है, जो चार्जर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका जो अडाप्टर है। बाकी फ़ोन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, देख सकते हो। सिंगल कैमरा है ये 8 MP के साथ में आपको फ्लैश देखने को मिलता है। बाकी बॉक्सी डिज़ाइन है फ़ोन के अंदर। साइड में अगर आप देखते हो पावर बटन, वॉल्यूम बटन आपको देखने को मिल जाता है एक साथ में राइट साइड में। और यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो, यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप 2 SIM एक SD कार्ड जो है लगा सकते हो, यानी कि ट्रिपल स्लॉट मिलता है। यहाँ पर पीछे जाते हो हेडफोन जैक जो सबको चाहिए होता है, माइक्रो USB, और इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर होम की स्क्रीन की बात करें, यहाँ पर ऊपर में आपको 6.5 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। बाकी ऊपर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो है Realme UI का Go एडिशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी कम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अबाउट फोन में मैं आपको दिखा दूँ इसके क्या गया है। अबाउट फोन में चलते देख सकते हो, 2 GB मैंने 32 GB इंटरनल स्टोरेज है उसको ऑर्डर किया था। इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर गो एडिशन जो कि मैंने आपको बताया, गो एडिशन के अंदर जो है फीचर्स हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो सिस्टम UI थोड़ा बहुत आपको जो लाइट वेट है वो देखने को मिलता है। गो एडिशन जो है तो थोड़ा सा लाइट वेट होता है बाकी किसी अदर UI के अगर हम कंपेयर करें तो। बाकी यहाँ पर अब जो है लेटेस्ट अपडेट वगैरह इसके अंदर मैंने इंस्टॉल करके रख लिया, कुछ भी इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट नहीं है। बाकी एनिमेशन गाइस देखो, यहाँ पर आपको एनिमेशन में देखने को मिलता है। भाई मेरा पोको M2 Pro इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है, लेकिन उसके अंदर हमें एनिमेशन नहीं मिलता, लेकिन इस फ़ोन के अंदर हमें एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसका एनिमेशन। तो कुछ इस तरह का Realme UI आपको देखने को मिलता है। कैमरे की बात करें तो डिसेंट आपको कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का बैक कैमरा, और फ्रंट में आपको 5 MP का जो सेल्फी कैमरा वो देखने को मिलता है। डिसेंट कैमरा है, लेकिन काफ़ी अच्छे फोटोज आप निकाल सकते हो इससे। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर आप जो है बैक कैमरा से 1080p 30 FPS में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है। 720p पे भी कर सकते हो और 480p भी कर सकते हो। बाकी फ्रंट में आप 720p या फिर 480p पे जो कैमरा है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनिमेशन देख सकते हो, एनिमेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस फ़ोन के अंदर। अब प्रॉपरली स्मूथ काम करेगा, ऐसा नहीं कि भाई लैग वगैरह होगा, लैग नहीं होगा, स्मूथ काम करेगा। प्राइसिंग की बात करें ये जो फ़ोन है मुझे लगभग 6000 के अंदर पड़ा है बिना कार्ड लगाए हुए। तो अगर आप कार्ड वगैरह लगाते हो तो लगभग आपको 500 रुपये का जो डिस्काउंट वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गैस अगर आपको एक डिसेंट फ़ोन चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर, तो आपको सबसे बेस्ट जो है Realme C13 देखने को मिलता है। डिस्प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलता है, 6.5 इंच के, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। कैमरा आपको डिसेंट मिलता है, डिस्प्ले डिसेंट मिलता है, वीडियो वगैरह को रिकॉर्ड कर पाओगे डिसेंट वीडियो एंड फोटोज़ को आप खींच पाओगे इसके अंदर से। और अगर आपको गेमिंग वगैरह करना है तो यहाँ पर इसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हो, डिसेंट गेमिंग। हाई पावर गेमिंग हम इसके अंदर नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा देर तक लाइट वेट गेमिंग इसके अंदर आप कर सकते हो। तो यही था आपके लिए वीडियो, अगर आपको फुल रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।